Bismillah Rahman Rahim. Second year biology chapter number 21, the cell cycle के अंदर आज हम importance in of mitosis पढ़ेंगे और cancer के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे. So हमने mitosis से पिछले lecture के अंदर पढ़ा. So अगर कोई आपसे पूछता है नहीं mitosis का फायदा किधर आया क्या किधर नजर आता है, so आप क्या reply करेंगे? So आज हम discuss करते हैं. So mitosis के क्या फायदे हैं? तो बहुत से फायदे हैं. इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मतलब माइटोसिस था क्या. ये पिछले लेक्चर के हम पढ़ चुके हैं कि हमने कहा जी के जो इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन की शक्ल में होगी, मतलब डीएनए के शक्ल में, या डीएनए से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स. ठीक है, यानी ये इंफॉर्मेशन हो, डीएनए हो या क्रोमोसोम्स, ये तकरीबन एक ही चीज के तीन नाम है. ठीक है, यानी एक दूसरे से लिंक करते हैं. इंफॉर्मेशन, डीएनए या क्रोमोसोम्स जो फादर में होंगे या जो पेरेंट्स में होंगे, ठीक है, वो ही डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे. सही. सो हमने कहा था जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स में वो सेम रहेंगे. ठीक है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सही. सो यानी एक किस्म की ये आइडेंटिकल कॉपी बना रहे हैं, आइडेंटिकल कॉपी, यानी ये पेरेंट्स की डॉटर सेल्स जो है वो आइडेंटिकल कॉपी बनेगी. सो यानी एक किस्म की कॉपिंग, जिसमें फोटो कॉपिंग होती है, फोटो कॉपिंग हो रही है. सो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डीएनए है, वो आगे ट्रेवल कर रहे हैं. ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मसलन क्लोनिंग के अंदर. ठीक है, अब क्लोनिंग का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि जिसके अंदर एक जैसे सेल्स जो से हैं वो बनते हैं. क्लोनिंग का वर्ड में भी आपने यूज किया हो. इसके अलावा बर्डिंग, ठीक है, जितने भी ए सेक्शन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, अगर हम इसे सारे को अगर बड़े टर्म में यूज करें तो जितने भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन हो गया जिस तरह बैक्टीरिया में होता है. सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सारी की सारी किस पे बेस करती है, माइटोसिस के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, मसलन डेवलपमेंट. ठीक है, कि आप जब छोटे होते, छोटे से आस्ते बड़े होते रहते, तो बेसिकली क्या होता है, आपके नंबर ऑफ सेल्स यानी खुलियों की तादाद आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रही होती है. और जो खुलियों की तादाद बढ़ रही है, ये किस तरह बढ़ेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. यानी माइटोसिस होगा तो खुलियों की तादाद बढ़ेगी. लाइक माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही. सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी कह लें, ग्रोथ में भी यही चीज होती है. सो सिर्फ प्लांट्स, सॉरी सिर्फ एनिमल्स में नहीं, या सिर्फ आप में नहीं होती, बल्कि जितने भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करते हैं अपने साइज में, उनके पीछे बेसिक रीजन क्या होती है, कि वो बीच में माइटोसिस हो रही होती है. ठीक है, इसके अलावा न्यू सेल्स बनते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स. सही. सो जितनी भी कह लें कि पुराने सेल्स की जगह पे नए सेल्स आते रहते हैं, तो बीच पीछे क्या हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है. सही. तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपकी जिंदा रहने के लिए कह लें कि आपके लाइफ के लिए माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, चले हम एक एग्जांपल लेते हैं. मसलन ये आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं, आप भी कहेंगे ये तो क्या अजीब चीज दिखा दी है, हालांकि ये लिंक है माइटोसिस के साथ. मसलन ये पहले केस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑपरेशन हो रहा है. सो ये एक डैमेज बॉडी पार्ट है. ठीक है, इसके अंदर आपको ये डैमेज नजर आ रहा है. सो डैमेज रिपेयर होगा. दूसरी साइड पे आपको ये हाथ पे डैमेज यानी कट नजर आ रहा है. ठीक है, ये कट भी रिपेयर होगा. किसी की टांग में प्रॉब्लम है, ये टांग रिपेयर होगी. किसी को ये ब्रूजेज यानी बाहर से खाल इसकी वहां पे इसको चोट आई है, वो भी इसका, ये किसी की गेंद बाजू में चोट है. ठीक है, एंड सो ऑन. ये आपको एक फ्रैक्चर नजर आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, आपको बोन फ्रैक्चर नजर आ रही है. तो बोन्स के सेल्स भी जो से वो रिपेयर करेंगे यानी ग्रो करेंगे, फिर जाके इनकी रिपेयरमेंट होगी. सही. सो जितने भी रिपेयरिंग का प्रोसेस है, ग्रोइंग का, मैच्योर, जितने भी कह लें कि डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो सारे के सारे किसके जरिए हो रहे हैं, माइटोसिस के साथ. सो यानी जहां कहीं भी रिपेयर होगी, ठीक है, जहां पर चीजें रिपेयरमेंट आपको नजर आएगी. ठीक है, रिपेयर को जो सब कह लेंगे बैक पे, इसकी कौन होगा, माइटोसिस. जाहिर बात अगर किसी स्ट्रक्चर ने अपना शेप रीगेन करना है, तो उसके पीछे माइटोसिस यानी सेल डिवाइड होंगे, दोबारा से उसकी जगह पे आएंगे, और फिर वो नॉर्मल एनाटॉमी बनती है. ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर. सही. लेकिन ये जो माइटोसिस होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हमें रखिएगा. माइटोसिस जो सी वो कंट्रोल्ड होती है. ठीक है, लाइक अब ये जख्म है. सही, ये जख्म को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ. सो ये जख्म है, यहाँ पे सेल्स ग्रो करेंगे. ठीक है, जाहिर बात है माइटोसिस होगी, लेकिन माइटोसिस इतनी ना हो कि वो फैल जाए. ठीक है, कि यानी इट शुड बी कंट्रोल्ड, कि माइटोसिस यानी जितने सेल्स रिक्वायर्ड हो उतने ही डिवाइड होके बने. ये ना हो कि अगर हमें 1000 सेल्स चाहिए तो उसकी जगह पे लाखों सेल्स बनना शुरू हो जाए और बनते रहें,
सो ये केस नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा केस आ जाता है जहां पे सेल डिवीजन नहीं रुकती, ठीक है, यानी इफ माइटोसिस इज नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है, तो सिर्फ रिपेयर तक मामला नहीं रुकेगा बल्कि वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा किसी शक्ल के अंदर, कैंसर की शक्ल में, तो उसे हम कैंसर कहते नहीं है। अगर माइटोसिस जो सी है किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी नॉट कंट्रोल्ड है, तो वो कैंसर की तरफ चीज जाती है। ये बड़ा लीथल होता है, नहीं है आप कह लें कि नुकसानदेह चीज है आपकी, इवन आपकी डेथ काज हो सकती है कैंसर। अगर आपने नाम सुने हो बहुत कहने के डर लगता है कैंसर के नाम से। सो थोड़ा सा बहुत हम कैंसर को डिस्कस करते हैं कि यानी ये सेल डिवीजन। अच्छा ये सॉरी एक और डायग्राम थी यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया, मसलन ये आप ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, साइज आपकी ग्रोथ हो रही है। सो ग्रोथ में भी क्या है, माइटोसिस इन्वॉल्व है, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 ट्रिलियन सेल थे, 1 ट्रिलियन सेल थे। सो नेक्स्ट केस के अंदर ये 2 ट्रिलियन हो जाएंगे, ये केस में 4 हो जाएंगे, इसमें 8 ट्रिलियन और इसमें 16 ट्रिलियन सेल्स होंगे। सो नंबर ऑफ सेल्स जो से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वो किस तरह बढ़ेंगे, जाहिर बात है पीछे माइटोसिस होगी। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर माइटोसिस। सो हम कैंसर के बारे में पढ़ने जा रहे थे, तो कैंसर के लिए एक डायग्राम है, मसलन कैंसर होता किस तरह। मसलन ये वो अंगूठे की जगह थी, सही, तो यहाँ पे चोट आई थी, सही, फॉर एग्जाम्पल ये चोट आई, सो ये इसकी रिपेयर हो रही है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगी, ठीक है, मसलन अगर हम देखें ना ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इनकी डिवीजन कंट्रोल नहीं है, और ये देखें इनके अंदर अलाइनमेंट भी नहीं है, एक दूसरे के पड़े हुए इस तरह, कोई स्पेशल पैटर्न नहीं नजर आ रहा, सही, और उसके अलावा दूसरों को धकेल रहे हैं। मसलन यहाँ पे ये जो सी लाइन है स्ट्रेट है, यहाँ पे लाइन है, और ऐसा भी होता है कि लाइन टूट जाती है, ठीक है, यानी इसे हम बेसल लाइन कहते हैं, ठीक है, यानी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं खास पैटर्न के अंदर, वो वापस अपने शेप रीगेन करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वहां पे ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, कि ज्यादा सारे सेल्स डिवाइड होकर वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो ट्यूमर बन जाते हैं, सही। सो आगे जो कैंसर है ना, वो बेसिकली ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर बॉडी में बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, लेकिन कैंसर क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता यही ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, सॉरी चले गए हम, अगर यही ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, मसलन ये है कि अब यहाँ पे ग्रोथ जोन सी है वो ट्रेवल कर रही है दूसरी साइड के ऊपर, सही, मसलन यहाँ पे ग्रोथ थी और ये फिर आगे ब्लड वेसल्स के अंदर जा रही है, या लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या फिर वहां पे हेमोरेज, हेमोरेज से मुराद के वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कि खून खून का निजाम जो है वो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्रोसिस से वहां यहाँ पे सेल डेथ स्टार्ट होती है, बीच में सेल्स मरना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इन हेमोरेजिक सेल सरफेस के जो इनके सेलुलर पैटर्न है वो इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये कैंसर कहलाता है, दिस वन इज नोन एज कैंसर, या कैंसर को हम मलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। मसलन ट्यूमर है, ट्यूमर की हम दो टाइप्स कर देंगे, एक मैलिग्नेंट होता है, ठीक है, और दूसरा बिनाइन होता है, सही। मैलिग्नेंट बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत खतरनाक होता है, जबकि बिनाइन बेचारा शरीफ से होता है, ठीक है, यानी ये ट्यूमर तो बन जाता है लेकिन एज सच बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कोई लीथल स्टेजेस नहीं आती बिनाइन ट्यूमर का। मसलन ये आपको बिनाइन ट्यूमर नजर आ रहा है, सो ये सेल्स ग्रोथ हुई, थोड़ा बहुत उन्होंने ज्यादा एरिया कवर कराया, या फिर उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो बकाया के, यानी इनके जो खुले सारी शक्ल होगी वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो कोई कह लें कि खतरनाक या खतरे वाली बात नहीं होगी, सही, वहां पे शेप चेंज हो जाएगी बेशक बॉडी की, लेकिन वो खतरनाक नहीं होगी। लेकिन इस केस में यह है कि बेशक शेप चेंज हो या ना हो, लेकिन वो जो उसका फैलाव है, ठीक है, यानी उनकी जो इन्वेसिवनेस है, यानी जो घुसने की आदत है, नहीं, वो ब्लड में घुसेगा, लिम्फ में घुसेगा, और खुदा ना खास था वो किसी सेंसिटिव एरियाज के अंदर आता है, मसलन लिम्फेटिक ब्लड के बाद फॉर एग्जांपल ब्रेन में ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, सो ब्रेन में जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर वो हार्ट के अंदर चला जाता है, हार्ट के अंदर जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, या फिर लंग्स के अंदर जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो इसके जरिए फिर कह लें कि बॉडी बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाती है, ठीक है, यानी रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, वो कह लें कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। सो ये कैंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाउ कैंसर डेवलप या व्हाई कैंसर डेवलप, ठीक है, हाउ या व्हाई कैंसर डेवलप,
तो उसके लिए आप बहुत सी तो रीज़न नहीं है, मेनली एक ही रीज़न मोस्टली हम डिफाइन करते हैं इसके लिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ। मसलन ये सेल्स हैं, सही, ये सेल्स हैं जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इस तरह ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी सेल्स हैं, नीचे भी सेल्स हैं, नीचे, इस तरह, ठीक है। खुदा ना खास्ता क्या होता है कि किसी को शार्प रेजर ब्लेड लगती है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगती है जिसकी वजह से सेल्स उनसे वो टूट जाते हैं, सही, कि जो सेल्स हैं वो लाइक इस तरह, यहाँ पे सेल्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये वाला सेल इस तरफ ग्रो करेगा, ये वाला सेल इधर ग्रो करेगा, ये वाला सेल इधर, ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी इनके अंदर क्या होगी बेसिकली, अब माइटोसिस होगी। माइटोसिस के दौरान अगर, यानी इफ माइटोसिस इन्वॉल्व डीएनए चेंजेस, कि अगर उसके अंदर डीएनए चेंज हो जाता है, क्योंकि अब माइटोसिस हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी, हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे और उनकी कॉपी होगी, ठीक है, खास तौर पर जब माइटोसिस से पहले डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। मैं किस तरह बताऊं, यहाँ पे मसलन जो था हमारे पास, कौन सा फेज था भला, सॉरी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मसलन माइटोसिस के अंदर एक G1 फेज था, S फेज था और G2 फेज। सो G2 फेज के, G2 फेज में जब डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपी होगा तो उस दौरान डीएनए में चेंजेस आ जाए, ठीक है, कि जाहिर बात जब डबल कॉपी बन रही है तो कॉपी में क्या पता मिसप्रिंट, जिस तरह मिसप्रिंट हो जाता है, सो डीएनए मिसप्रिंट हो जाए, तो इस डीएनए चेंज को, जो मिसप्रिंटिंग है, इसको हम कहते हैं डीएनए म्यूटेशन, इट इज नोन एज म्यूटेशन। कि अगर इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाए, बेसिकली अगर याद हो शुरू में हमने डीएनए या क्रोमोसोम्स को किसका नाम दिया था, इंफॉर्मेशन का, सो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए सो उसे हम म्यूटेशन का नाम देते हैं, सो इट इज नॉन एज म्यूटेशन। सो अगर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन आने की वजह से क्या होगा कि जो मैकेनिज्म था कंट्रोल्ड सेल डिवीजन का, ठीक है, अगर खास तौर पर म्यूटेशन आए किस जगह पे जो कि कंट्रोल सेल डिवीजन करवा रहा है, ठीक है, यानी वो पोर्शन जहां पे इंफॉर्मेशन है कि सेल्स की डिवीजन को कंट्रोल किस तरह करना, अगर वहां पे म्यूटेशन आ जाए स्पेशली, तो उसके बाद जो सी डिवीजन है, इसके रिजल्ट के अंदर जो डिवीजन होगी वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, सही है, यानी सेल जो सा वो अब आप इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है, बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा, उसने अपनी मर्जी करना शुरू कर देगा, ठीक है, और उसके रिजल्ट के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन के जरिए हमारे पास ट्यूमर आएगा, सही। फिर ये ट्यूमर में अगर सलाहियत हुई कि अगर ये फैल सकता है, ठीक है, इफ ट्यूमर कैन स्प्रेड, अगर ट्यूमर फैल सकता है यानी इट कैन इन्वेड या इन्वियन कर सकता है, सो वो क्या कहलाएगा, इन्वेड कर सकता है, सो उसे हम क्या कह देंगे, कैंसर, सही। अगर वो फैलता नहीं है, लाइक इट डजंट इन्वेड, ठीक है, अगर वो नहीं फैलता, ठीक है, कि यानी जिस जगह पे मौजूद है वहीं पे रहता है, तो यानी डू नॉट इन्वेड कहेंगे हम, डू नॉट इन्वेड, तो इस केस को हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, कैंसर नहीं कहेंगे बल्कि मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, सही। सो इस तरह कैंसर डेवलप होता है। चले हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, आज जितना हमने पढ़ा, मियोसिस को हम कल ही डिस्कस करेंगे। मसलन हमने स्टार्ट की कि आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, सॉरी इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस और कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। सो जो माइटोसिस है उसमें डेफिनेशन वाइज चलें तो जो इंफॉर्मेशन है या डीएनए जो क्रोमोसोम्स है जो पेरेंट्स में है वही डॉटर में जाते हैं, इनकी आइडेंटिकल कॉपी होती है, सो इसलिए ये क्लोनिंग के अंदर यूज होते हैं। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मसलन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं, बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग के अलावा उसमें फ्रेगमेंटेशन का वर्ड यूज किया हो, मे बी आपने कहीं फ्रेगमेंटेशन होती है, सही, या फिर बैक्टीरिया जो डिवाइड होता है, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, हाँ बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन वगैरह, ये सारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, वहां पे माइटोसिस होती है। फिर उसके अलावा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जितनी भी यानी ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होते हैं या ग्रोथ करते हैं उनमें भी माइटोसिस है। फिर ओल्ड सेल्स या जो डैमेज सेल्स हैं, ठीक है,
होल्ड सेल, ये थोड़ी डिपेंड, होल्ड और डैमेज सेल्स के जो से हैं उनकी रिप्लेसमेंट जो से है वो भी माइटोसिस के जरिए होती है। फिर हमने ये एग्जांपल देखी, मतलब ये जो जितने भी जख्म हैं वो सारे के सारे जो रिकवर होंगे, रिपेयर होंगे, वो किसके जरिए होंगे, माइटोसिस में। फिर यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि माइटोसिस के दौरान अगर ये डिवीजन कंट्रोल रहती है सो इट इज रिपेयर, ठीक है, इट इज गुड कि रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर ये नॉट कंट्रोल हो वो कैंसर की तरफ जा सकती है। फिर ग्रोथ देखा हमने कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं वो भी माइटोसिस की वजह से होंगे। फिर हमने ट्यूमर के बारे में बात की, तो बेसिकली क्या होता है कि जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, ठीक है, मसल रिपेयर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वहां पे एक ट्यूमर बनता है। फिर ये ट्यूमर उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैंसर या फिर बिनाइन ट्यूमर कहलाता है, सही। मसल जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉन लीथल होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ठीक है, यानी इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन जो कैंसर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि ये फैल सकता है, इसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है कि इट कैन इन्वेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट्स एंड लंग्स, और फिर वहां पे हेमोरेज वगैरह काज कर सकता है और बड़ी डिस्टॉर्शन सी क्रिएट करता है, वहां पे सारा निज़ाम को खराब कर देता है। फिर हमने कोशिश की जानने की कि किस तरह कैंसर डेवलप होता है, सो हमने एग्जाम्पल दिया, मसलन ये सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के दरमियान ये न्यूक्लियस वगैरह हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस वगैरह, तो सेल्स को ऊपर कोई फोर्स लगती है, कोई शार्प शार्प चीज लगती है, तो सेल्स जो से वहां पे टूट जाते हैं, लाइक ये सेल्स बीच में से निकल गए, तो जो इसके इर्द गिर्द वाले सेल्स हैं ये डिवाइड होके ये जगह कवर करेंगे, माइटोसिस होगी नहीं। अगर माइटोसिस के दौरान जो G2 फेज होता है स्पेशली, जहां पे DNA कॉपी हो रहा होता है, अगर वो कॉपी करते हुए गलती हो जाती है, ठीक है, वहां पे इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। इस म्यूटेशन या DNA चेंज की वजह से जो सेल डिवीजन है अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर वो म्यूटेशन उस एरिया पे होती है या उस इंफॉर्मेशन वाली जगह पे होती है जहां पे कंट्रोल सेल डिवीजन का यानी वहां पे लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, सो अगर उस एरिया में होती है तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी डिवीजन और फिर वो ट्यूमर के अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब वो डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगी, सेल डिवाइड होते रहेंगे और ट्यूमर बन जाएगा, और अगर ये ट्यूमर फैल सकता है यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जा सकते हैं, इसे हम कैंसर कह देंगे। अगर ये नहीं फैलता, यानी लकली खुश नसीब ही है जिसमें अगर ऐसा ट्यूमर जो नहीं फैलता उसे मेलिनेट ट्यूमर कहते हैं, और मेलिनेट ट्यूमर, ओए सॉरी मैं इसे मेलिनेट कह गया, ये मेलिग्नेट नहीं है, बिनाइन ट्यूमर है, सॉरी सॉरी, दिस इज बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। मेलिग्नेट ट्यूमर तो कैंसर के होते हैं, मेलिग्नेट ट्यूमर तो कैंसर में आते हैं, सही, सॉरी ये मिस्टेक होगी बहुत बड़ी, ये आप देख लीजिएगा। सो ये था आज हमारा आज का लेक्चर, सो कल हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे।